बनाऊंगी सबका फेवरेट गुलाब जामुन। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं और मेरे कस्टमर को कैसे मेरा गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चाशनी बनाऊंगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, उसमें डालूंगी एक कटोरी चीनी और उसी कटोरी से दो कटोरी पानी। और यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैंने डाला है इलायची, थोड़ा सा केसर डाला है। आप यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार फ्लेवर डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें चीनी घुलने तक इसको ना पकाना है। तो हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है और हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे ना चाशनी को ढक देंगे ताकि चाशनी जो है ना गर्म रहे। तो यहाँ पे चाशनी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा चाशनी जो है गर्म होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है खोया। खोया मैंने होममेड बनाया है, 2 लीटर दूध का मैंने यहाँ पे खोया बनाया है और 1 लीटर दूध का जो है ना पनीर बनाया है और साथ ही ना 2 चम्मच के करीब जो है ना मैदा लिया है। तो सबसे पहले जो है ना पनीर को क्रश करके इसको अपने हाथों से मसल लेंगे। अब मावा को भी इसमें मिक्स कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे जो मैदा लिया है ना उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है, तो इलायची पाउडर डालने से ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो अब जो है ना हम अपनी हथेली से इसको अच्छे से मसलेंगे। तो इसको मसलने से ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी दाने हैं, तो हम जैसे ही इसको अपनी हथेली से मसलेंगे ना तो ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप ना घर पे अगर खोया या पनीर नहीं बनाना चाहते तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 200 ग्राम खोया का यूज कर रहे हैं तो आप उसमें 100 ग्राम जो है पनीर डालें और 50 ग्राम जो है मैदा डालें। आपका ये मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा गुलाब जामुन के लिए। तो गुलाब जामुन का डो जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं साइड कर लूँगी। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा काजू बादाम पिस्ता का कुतरन जो होता है ना वो डालूंगी और साथ ही डाल दूंगी यहाँ पे केसर। तो मैंने केसर को पहले से ही पानी में भिगो के रखा था, तो मैंने 1 मिनट के करीब इसको पानी में भिगो के रखा था, इसीलिए ये ज़्यादा जो है ना कलर इसमें नहीं आया है अभी। आपके पास ये सब अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये डालें। उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसका छोटा सा एक हिस्सा तोड़ेंगे और इसका ना छोटा बॉल बनाएंगे। तो अब प्लेन गुलाब जामुन का जो डो है उसमें से भी हम एक उससे थोड़ा बड़ा बॉल बनाएंगे और इसको ना बीच से हम होल करेंगे। छोटा बॉल जो हमने इसमें बना के रखा है ना वो इसमें फिल कर देंगे और इसको ना अच्छे से बॉल का शेप देंगे। इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई क्रैक होगा ना तो क्या होगा ना, वो तेल में जाते ही फट जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई क्रैक ना हो। तो इसी तरीके से जो है ना मैं और भी गुलाब जामुन बना लूँगी। तो आप इसकी साइज़ जो है ना अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल मीडियम साइज में रखा है इसको। तो देखिए बॉल्स जो है ना गुलाब जामुन के वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको तलेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है ना घी लिया है और घी ना गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी इसमें जो है ना हम सारे बॉल्स डाल देंगे। तो हम ना यहाँ पे छोटे छोटे बैचेस में बनाएंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका गुलाब जामुन अगर बिखरने लगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा और मैदा मिला दें, या नहीं तो आपका अगर गुलाब जामुन आपको लग रहा है हार्ड हो रहा है, ये बीच से जो है इसमें गांठे पड़ जाएंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा ना एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर दें। तो गुलाब जामुन कैसे आपको पता चलेगा कि आपका गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट बन रहा है? तो सबसे पहले जब आप इसको घी में डालते हैं तो क्या होता है ना, थोड़ी देर के बाद ये घी में तैरने लगता है और इसकी साइज़ डबल हो जाती है। तो इसका मतलब है आपका जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है।
अगर ऐसा ना हो, अगर आपका गुलाब जामुन नीचे तेल के अंदर बैठ गया हो, उसकी साइज़ डबल ना हो रही हो, तो इसका मतलब है इसके अंदर गांठें पड़ रही हैं और ये अच्छे से फूलेगा नहीं। क्योंकि गुलाब जामुन जो है ना हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम गर्मा गर्म जो है ना चाशनी के अंदर डाल देंगे और चाशनी को हम फिर से ढक देंगे। उसके बाद दूसरा बैचेस भी जब हम गुलाब जामुन का डालेंगे ना, तो तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद डालें। और उसके बाद उसी प्रोसेस से आपको बनाना है, आँच को मीडियम फ्लेम पर रख दें और कड़छी को इसी तरीके से हिलाना है ताकि इसका जो कलर है ना बिल्कुल इक्वल आएगा। और जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए ना, तब इसको निकाल के फिर से हम इसको चाशनी में डाल देंगे और चाशनी को अच्छे से ढक देंगे। तो मैंने इसी तरीके से जो है ना 3 बैचेस में गुलाब जामुन बनाए और मेरा गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बना था। तो गुलाब जामुन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से सारा गुलाब जामुन बना लिया है और गुलाब जामुन मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी गरम गरम गुलाब जामुन है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना परफेक्ट बना है, इसमें कोई गांठ ही नहीं है। तो आप गुलाब जामुन को गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं।